आईपीएल फ्यूज में डीएनए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज डबल हेडर का दूसरा मैच है केकेआर वर्सेस एसआरएच में, और मैं बात करूं केकेआर वर्सेस एसआरएच की तो हमारे साथ लवन शशांक है, जिस पर हम फैंटेसी 11 और प्रीव्यू आज मैच में क्या देखने को मिल सकता है इन सभी पर हमारी बातचीत होगी। तो पहले शशांक और मैं लव से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है किस टीम का मतलब पलड़ा भारी है, जो कि हमारे पास देख रहे हैं लव जो है वो केकेआर फैन है, तो अब क्या वो बैटल देखने को हमें मिल रही है या फिर अभी एक तरफा दिख रहा है कि केकेआर के लिए जा रहा है। केकेआर, हम केकेआर आज मतलब क्रिकेट लवर नहीं जाग रहा अंदर का कि अच्छा मुकाबला क्रिकेट लवर देखने अच्छा को मिले। मुकाबला तो जी देखो मुकाबले चलने के बाद बोलो। अभी मेरे हिसाब से केकेआर का बड़ा भारी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एसआरएच के लिए ये है कि अभी उनका प्लेइंग 11 फिक्स नहीं हुआ, इतने प्लेयर ले लिए हैं, मतलब फॉरेन प्लेयर्स तो भरमार ले रखी है, और अभी हसरंगा शायद नहीं है, तब भी कंफ्यूजन हो कहीं ना कहीं कि चार फॉरेन प्लेयर्स कौन खिलाने और क्या कॉम्बिनेशन बैठाने होंगे। प्लस कमिंस पहले नए कैप्टन आ रहे हैं, वो अपना डेब्यू कर रहे तरीके से एसआरएच के लिए, तो किस तरीके से कैप्टनसी करेंगे। आईपीएल में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है कमिंस का, मार काफी खाई है वो, एक बैटिंग के थ्रू एक बार वो एमआई के अगेंस्ट कॉन्ट्रीब्यूट किया था, उसके अलावा कोई इनिंग्स मुझे याद नहीं आती बैटिंग में, और बॉलिंग में भी अच्छी खासी मार पड़ी उसको, जितने महंगे बिके हैं बट उतना इम्पैक्ट नहीं रहा है आईपीएल में। तो कहीं ना कहीं एसआरएच का पड़ना कहीं ना कहीं थोड़ा वैसा लग रहा है कि क्या डोमिनेट कर सकती है, क्योंकि निशा होम केकेआर ग्राउंड भी है इसकी। हाँ, और केकेआर के पास एक फिक्स्ड प्लेइंग 11 है, मतलब कह सकते हैं प्रॉपरली हर तरीके का बैकअप अवेलेबल है। स्टार्क अच्छे टच में है, रिंकू अच्छे टच में है, फिर शॉर्ट बड़े टच में आ रहे हैं, T20 रैंकिंग में नंबर 2 पे है इस टाइम करेंटली, तो केकेआर का पड़ना भारी नजर आ रहा है कि हेड टू हेड देखेंगे तो मुझे बेटर पोजिशन मिल रही है। देखिए हाँ, और अभी हम एड टू एड की बात करें तो 25 गेम्स हुए हैं हैदराबाद और केकेआर के बीच में, जिसमें 16 गेम्स वो जीते और 9 ही हैदराबाद जीते और केकेआर 16 जीते, तो मतलब इसमें तो एक तरफा हमें केकेआर आगे दिख ही रही है। तो ओवरऑल भी अगर हम देखें तो इसमें आज होम ग्राउंड पर ही मैच है, तो ईडन गार्डन्स में हमेशा से फेवरेट होम टीम तो रहेगी ही रहेगी, और ये है लेकिन पिछली बार क्या था कि पिच ना स्पिन फ्रेंडली नहीं थी, लेकिन हमने जो T20 वर्ल्ड कप की, वो ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करूं तो ओडीआई वर्ल्ड कप के आखिरी मैचेस में हमें दिखा था कि वहां पर पिच जो है वो स्पिन फ्रेंडली थोड़ी सी हो रही है। तो अगर गंभीर आने के बाद वही है कि वो अपने जो उनका तिगड़म है, क्योंकि हम प्लेइंग 11 की भी बात करेंगे तो उसमें आपको तिगड़म दिखेगी, जो उनकी तिगड़ी अगर हम देखें तो वो तीन प्लेयर्स हैं स्पिनर्स के, तो स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती है तो शशांक मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लेइंग 11 में आपके साथ दोनों के साथ शेयर कर देता हूँ, जिसमें केकेआर के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में आप बात कर रहे हैं। जो है वो स्पिन फ्रेंडली है, उससे एसआरएच के लिए प्रॉब्लम है, जो एसआरएच के पास प्रॉपर स्क्वायर कोई है नहीं, एक वॉशिंगटन सुंदर नजर आते हैं, मुझे उसके अलावा कुछ लेने में किसी जगह नहीं मिलती। नहीं, शाहबाज अहमद की जरूरत शाहबाज अहमद देखिए खिलाते हैं नहीं खिलाते, क्योंकि लेकिन यार गार्डनर शाहबाज अहमद और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ही प्लेयर खेलेंगे, एक लेफ्ट आर्म ऑफ ये स्पिनर एक क्या राइट क्या आर्म वो क्वालिटी स्पिनर। प्रोवाइड करते हैं, जैसे केकेआर के पास क्वालिटी है, सुनील नारायण है, बंत चक्रवर्ती है, सुरेश शर्मा है। वही प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जयमिथुन गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, क्योंकि गुरबाज और फिल सॉल्ट में एक प्लेयर हो सकता है, और वेंकटेश अय्यर के बाद श्रेयस अय्यर का पक्का है कि कप्तान है वो, फिर नीतीश राणा जो कि पिछली बार कप्तान थे तो वो भी अच्छा खेले थे, फिर रिंकू सिंह है, आंद्रे रसल है, सुनील नारायण का भी जो हम तिगड़ी की बात कर रहे थे उसमें एक जो सबसे अच्छे स्पिनर है वो रहेंगे, मिचेल स्टार्क, चेतन सकरिया इस टीम में आ चुके हैं हम, और वरुण चक्रवर्ती और सुरेश शर्मा, तो मेरे को तो लग रहा है कि ये तिगड़ी तो रहेगी रहेगी कि सुनील नारायण नारायण वरुण चक्रवर्ती और सुरेश शर्मा सुरेश शर्मा कहने के बैक प्लेयर इम्पैक्ट का प्लेयर ही था, रहेंगे, या मोस्टली ऐसा हो सकता है कि उनको अगर बॉलिंग पहले अगर आ रही है तो वो पहले खेलेंगे, अगर बैटिंग में अय्यर ये, अब ये अगर हम प्लेइंग 11 में देखें तो मुझे तो यही सबसे ज्यादा सुटेबल लग रही है अभी की, फिल शॉर्ट लग रहा है बस गुरबाज का, गुरबाज की रहेंगे, लेकिन ये है कि ज्यादा एक्सपीरियंस गुरबाज के पास है गुरबाज का केकेआर भी, के लिए। गुरबाज का भी हालिया फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, वर्ल्ड कप हाँ में भी अच्छी फॉर्म इनिंग्स बिल्कुल खेली है, उसके खराब बाद जो सीरीज हुई है और इंडिया में भी बहुत अच्छा खेला है, तो मेरे को लग रहा है गुरबाज के साथ ही केकेआर पहले जाएगा, फिल सॉल्ट को थोड़ा सा वेट अभी और करना पड़ेगा, मुझे लगता है फिल सॉल्ट के साथ काम रहा है, क्योंकि मैं क्योंकि केकेआर को फॉलो करता हूँ, ट्रेन सिस्टम्स में जितने परफॉर्मेंसेज आए हैं फिल सॉल्ट की तरफ से अच्छे आए थे, 77 आया था वो 48 बॉलों में करीब, तो जी। ट्रेनिंग सेशन के अगर उस हिसाब से बनेगा बनाएंगे समीकरण तो फिर जी, तो फिल सॉल्ट का चांस तो आता है। यही है कि गुरबाज और उसकी में है, बाकी टीम सेम रहेगी। वहीं अगर हम एसआरएच की बात करें तो उस पर यह है कि ट्रेविस हेड, क्योंकि मुझे लगता है पैट कमिंस कप्तान बने तो वो प्रेफरेंस देंगे कि पहले से, कि मैं चाहूंगा कि ओपनर जो कि पिछली बार हमें दिख रहा था कि कोई भी सुटेबल हैदराबाद का ओपनिंग प्लेयर नहीं था, तो ट्रेविस हेड जो जिन्होंने इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब किया ही था, क्या वो आईपीएल में भी बाकी टीमों का करते हैं कि नहीं करते हैं शशांक? तो मतलब ट्रेविस हेड का नाम सुनते ही एकदम से बिल्कुल ही आपको दिख आग ही गया बबूला होगा हो उनके जाता चेहरे पे। है, आग बबूला हो जाता देखिए है। ट्रेविस हेड, पैट कमिंस दोनों का नाम सुनते ही, मैक्सवेल वो भी आरसीबी वाला थोड़ा प्यार है, वरना उनसे भी कोई खास मोहब्बत है नहीं, मिसो बिल्कुल, तो उनमें से अभिषेक मोहब्बत शर्मा ज्यादा। पिछली बार अच्छा किया था, अब थोड़ा ऑलराउंडर भी है वो, तो उस तरीके से भी, फिर राहुल त्रिपाठी
पार्करम मुझे लगता है कि उनको बाहर तो नहीं करेंगे, और बाहर करने का मतलब हैदराबाद के साथ एक चीज फंस सकती है, मार्को यानसन को बाहर होना पड़ेगा क्योंकि पैट कमिंस खेलेंगे और आप पे फिर एक ही फॉरेन बॉलर बचेगा जो कि देखा जाए तो बहुत तगड़ा कोई T20 का बॉलर है नहीं, क्योंकि ट्रेविस हेड, एडन माक्रम, क्लासन, इन तीनों को आप नहीं छोड़ सकते। पैट कमिंस आपके कप्तान है तो मार्को यानसन को जगह बनानी पड़ेगी, और अगर मतलब इन तीनों में से कोच बहुत खराब परफॉर्मेंस लगा था 14 मैच और कहीं वो हटा नहीं सकता, किसको निकालते रसल थे, नरेंद्र थे, किसको निकालते, तो ये नुकसान रहता है। और शहबाज अहमद जो की ट्रेड किए गए तो मुझे लगता है उनको मयंक अग्रवाल छोड़ने वाले, और पिछली बार ओपनिंग प्लेयर से तो अभिषेक शर्मा को आपको लगता है बाहर, अभिषेक शर्मा मिडिल ऑर्डर में भी खेले हैं सारे इसके लिए, आप जगह किसको बाहर करेंगे, अब्दुल समद को बाहर करेंगे, अब्दुल समद भी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग भी करना जानते हैं तो उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए अब्दुल समद, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो ओपनिंग पेयर में हमें अभिषेक शर्मा के मिडिल ऑर्डर में जाएंगे, लग रहा है कि अब्दुल समद और दूसरी जगह देखे तो हम वेंकटेश अय्यर, मेरे को लग रहा है दोनों टीम से ऐसा हो सकता है कि मतलब वो बन के आए कि इंपैक्ट के रूप में बन के आए, बिल्कुल, तो मेरे को लग रहा है और फिर मयंक मार्कंडे भी उनके पास स्पिनर है, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन, तो मतलब उनके पास बॉलिंग तो मुझे स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर है, इंडियन कोर है, जी तो आप अपने अपने बता दीजिए फैंटेसी 11, फिर लास्ट में बता देता हूँ, तो लव आप पहले अपने बता दीजिए फैंटेसी 11। देखिए मेरे विकेट कीपर रहेंगे फिल सॉल्ट, उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर, रितेश राणा, रिंकू सिंह, और उसके बाद राहुल त्रिपाठी आएंगे, उसके बाद ट्रेविस हेड, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, एडन माक्रम, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, जी ये फैंटेसी 11। देखिए मेरी फैंटेसी 11 की बात करूं मैं, वहां पे राहुल त्रिपाठी क्योंकि एकदम अलग से वो है कि वो ऊपर भी खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर भी खेल सकते हैं, अब पहले अभिषेक शर्मा जरूर ऑप्शन में थे लेकिन अभिषेक शर्मा की इक्का दुक्का पारी आई है लेकिन बहुत ज्यादा कुछ वैसा नहीं आया, क्योंकि नाम और वहीं पर राहुल त्रिपाठी ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए जब वो थे तब भी अच्छा किया, हैदराबाद के लिए भी लगातार अच्छा किया है, पिछले लगातार में KKR के लिए भी काफी अच्छा किया मिडिल ऑर्डर में, तो उनपे वो वेरिएशन है, वो उनकी लीग है गेंद की, तो राहुल त्रिपाठी, ट्रेविस हेड जरूर दिल पे पत्थर रखे, ट्रेविस हेड मेरी टीम में है, तीन नंबर श्रेयस अय्यर के साथ में जा रहा हूँ क्योंकि देखना उनके लिए ये देखना होगा कि पॉइंट टू प्रूव है उनके लिए, और चौथे नंबर पे नितेश राणा, उसके बाद में जा रहा हूँ एडन माक्रम के साथ, पांच नंबर पे वाइस कैप्टन भी मेरे माक्रम ही है, जरूर ये नंबर ऊपर नीचे होगा, और छह नंबर पे रिंकू सिंह है, सात पे आंड्रे रसल, आठ पे वरुण चक्रवर्ती, नौ पे शाहबाज है, भुवनेश्वर कुमार है, और फिर मिचेल स्टार्क है जिनको मेरे को लगा है कि 25 करोड़ का दाव है, तो मैंने भी एक दाव खेला कि मैंने उन्हें कप्तान भी बनाया अपना, मिचेल स्टार्क को मैंने कप्तान ही बनाया, जो इम्पैक्ट सबसे फ्यूट है मेरे वो रहेंगे अब्दुल समद और वेंकटेश अय्यर, अपनी अपनी टीम से की मतलब जैसे भी हो सकता है कि काम बने, लेकिन वो इम्पैक्ट प्लेयर आपको जब लेना पड़ेगा जब आपकी टीम में से कोई प्लेयर है जो अगर नहीं खेलता, नो बैटिंग बॉलिंग वाला मतलब कोई ठीक है कि आप जो दो तीन प्लेयर्स हैं आपके पास ऑप्शन आता है, और मुझे लग रहा है कि ज्यादा मेरे को मतलब ऐसा भी नहीं लगा ये टीम बनाने में कि मेरे को बहुत बड़े नाम छोड़ने पड़ गए हो या ऐसा कुछ, सुनील नारायण को जरूर मैंने मिस किया इस टीम में, लेकिन वही एक फिर मेरे पास वरुण चक्रवर्ती है, शाहबाज अहमद है, तो मेरे पे वेरिएशन है राइट आर्म ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन टाइप वाले, तो मेरी टीम में मैं रख रहा हूँ उसमें मेरे को ओपनिंग प्लेयर की बात करें तो मैं ट्रेविस हेड को रखूंगा, और मैं दूसरा भी ओपनिंग पेयर में बाकी और तीनों में से किसी को नहीं रखा, मेरे को डाइसी लग रहा है, मैं मिडिल ऑर्डर में ज्यादा खिलाना चाहूंगा जिसमें मेरे माक्रम रखे मिडिल ऑर्डर में, फिर उसके अलावा मैंने नीतीश राणा रखे और रिंकू सिंह, तो मेरे पांच ये बैटर्स ओवरऑल रहेंगे, विकेट कीपर जो मेरे को रखना है उसकी बात है तो उसमें मैं रखना चाहूंगा अगर हेनरिक क्लासन को, तो हेनरिक क्लासन मेरे विकेट कीपर रहेंगे, तो छठे बैट्समैन ये हो गए, बाकी ऑलराउंडर्स में मैं देख रहा हूँ तो मैं आंद्रे रसल को रखूंगा और मैं रिंकू सिंह को नहीं रखना चाह रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि अभी उनको इतनी ज्यादा बॉल्स नहीं मिलेंगे कि फैंटेसी में उनको रखा जाए, तो मैं आंद्रे रसल को रख रहा हूँ क्योंकि वो डेथ ओवर्स के लिए भी पूरा कर सकते हैं, फिर मिचेल स्टार्क है और दो स्पिनर्स मेरे को रखने हैं, तो दो स्पिनर्स मैं उसमें रखने जाऊंगा, वो है दो स्पिनर्स में मेरे पास रहेंगे मयंक मार्कंडे SRH के, और मैं उधर से देखूँ तो सूर्य शर्मा,
मेरे को ये लगता है कि ये ज्यादा विकेट टेकर ऑप्शन है दोनों लेग स्पिनर्स। और ऐसा अगर हम केकेआर का जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा बड़ा भी है, तो उस नजरिए से देखो तो इनको मारने में आपकी बॉल बाउंड्रीज पर जाने के लिए चांसेस कम है, तो ये मेरी और फैंटेसी कहीं ना रहेगी। कहीं एक चीज भी है ना कि स्टूडियो जिस तरीके से फ्लैट ट्रेजेक्टरी के साथ डालते भी ना, वो हाइट का फैक्टर भी क्या, हाइट भी थोड़ी छोटी है, ट्रेजेक्टरी भी फ्लैट है, तो उनके उनको लॉफ्टेड शॉट्स खेलने के लिए बैट्समैन के पास इतना आसान नहीं होता कि वो उनकी बॉल की हाइट के नीचे आ जाए और उनको लॉफ्ट कर दे। तो हमने देखा भी इसलिए लास्ट सीजन केकेआर के लिए नाम भी वो इसीलिए हुआ क्योंकि उनको लॉफ्टेड शॉट्स कम लगे हैं, उनके ओवर्स सस्ते में निपटे हैं। तो एक अच्छी मतलब एक अच्छा टेक है, लेकिन ये वाला सीजन मुझे लग रहा है सुनील शर्मा को कुछ बड़ा करना पड़ेगा। आपने ठीक है, आपका नाम हो गया पिछले सीजन में लेकिन अभी जिस हिसाब से वो डिजर्व जो, करते हैं, इस हिसाब से केकेआर के मैनेजमेंट को हाईली रेट करती है, उस हिसाब से परफॉर्मेंसेस नहीं आई हाँ वही कि फिलहाल। मतलब एक मतलब फिटे सीजन में में 3 विकेट 2 विकेट हाँ फिटे एक में है सीजन वो में ये इस है सीजन कि में, या बैक तो वो किया टी है। ट्वेंटी वर्ल्ड कप में हो सकता है, जैसे वरुण चक्रवर्ती के साथ हो गया था, वो तो नहीं, चक्रवर्ती के साथ भी हो गया था। अगर अगर नया राहुल चहर है हमारे लखनऊ वाले, कौन है वो, रवि रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई है बिश्नोई, सबसे बड़े रवि बिश्नोई है, रवि रवि बिश्नोई बिश्नोई का रवि तो बिश्नोई का ऑप्शन सबसे नहीं बनता, बड़ा वो वर्ल्ड कप भूल जाए, लेकिन ये क्या अपनी टीम के कुछ लिए अच्छा बहुत परफॉर्म करे। हाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं तो हो सकता है चक्रवर्ती टाइप का चांस बन जाए। तो ये हमारी फैंटेसी लेवल्स तो पूरी हो चुकी है, आप भी अपनी बना सकते हैं अलग अलग जो एप्स हैं उन पर प्लेटफॉर्म पर जाकर। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।